example number 19, that means RBC chapter number 11, y is equal to sin x, y equal to cos x, y axis, और x की लिमिट देखिए 0 से ज्यादा है उसके इक्वल, बट पाई बाय 2 से कम है उसके इक्वल। इन से घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको समझें कि कर्व है कैसे। y इज इक्वल टू sin x इस तरह से होगा, और y इक्वल टू cos x दूसरे कलर से होगा। y इज इक्वल टू cos x हमारे पास ये इस तरह से होगा। अब हमारे पास है कि इसमें बोला है कि y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन। इसने कहा भी आप ना 5 बाय 2 से आगे तो जाओ मत, यहां से आगे तो आपको जाना ही नहीं है, है ना। x की वैल्यू ना ये 5 बाय 2 यहीं तक होती है, और जीरो से पहले की बात नहीं करनी, जीरो पे कर सकते हैं अपन बात। तो दोनों के बीच का जो कंबाइंड एरिया है ना वो कौन सा है, y एक्सिस y इक्वल टू साइन एक्स, इसको कह सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है, और ये वाला हमारे पास में y इज इक्वल टू कॉस एक्स है। इन दोनों और y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो मैंने शेयर किया वो ये है, इसको मेरे को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है दोनों का, ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन आप इसको सेकेंड मार्क कर। From equation first and second से pi by 4 ही आएगा इसमें। sin x equals to क्या हो गया cos x, cos upon में लाएंगे तो यहाँ पर tan x equals to 1 और x equals to कितना आता है pi by 4। वैसे भी देखो sin और cos की जो equal value होती है इस range के अंदर वो pi by 4 पे होती है। तो ये जो point होगा ना यहाँ पर x की value जो आएगी ना वो कितनी आ रही है, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आएगी, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो कि मुझे ये पता लगाना है इसके अंदर कि भी यहां पर एरिया कितना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लूंगा और जिसकी थिकनेस है dx, और यहां से यहां तक की हाइट y1 और यहां से यहां तक की हाइट हो गई y2। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर कैसे हुई, ये तो कर्व है, रेक्टेंगुलर इसलिए हुई कि भी इस कर्व का सबसे जो छोटा हिस्सा है ना उसको अपन ने dx कंसीडर किया है। तो इसका कर्व का सबसे छोटा हिस्सा और इसका कर्व का सबसे छोटा हिस्सा कर्व इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू सबसे छोटे पार्ट इसके स्प्लिट एंड छोटे पार्ट के बराबर होगा, इसलिए अपन इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कह सकते हैं। ये स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है, और ये पूरा जो कंबाइंड एरिया है ना ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है ना। जो तो किसी एक स्ट्रिप का एरिया निकालने का इंट्रोड्यूस कर दो तो अपना काम हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया इक्वल टू आ जाएगा लेंथ इसकी कितनी हुई y2 माइनस y1 और ब्रेथ हो गई इसकी dx, और इंट्रोड्यूस कर लेंगे आप यहां से लेकर लास्ट। देखो dx दिया ना तो x की वैल्यू देखनी पड़ेगी, यहां पर x की वैल्यू 0 और यहां पर x की वैल्यू कितनी है pi / 4, बस इसकी वैल्यू रखो 0 से पाई बाय 4। y2 कहां से लाएंगे, y2 ये देखो यहां से है ना, ये y2 कहां स्टैंड कर रहा है यहां पर, तो y2 इस कर्व के ऊपर है, y2 cos x पर है, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी cos x, और y1 y1 कहां पर है इसके ऊपर है यानी sin x के ऊपर, तो y उसको sin x हो जाएगी इसकी dx। अब दोनों का एंट्री तो कर लेते हैं, cos x का हो जाएगा sin x, और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, प्लस लगा दे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 से पाई बाय 4। अब आप इसमें लिमिट रखते हैं अपर माइनस लोअर, तो sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 माइनस अपर माइनस लोअर sin 0 माइनस cos 0। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 और माइनस 0 और ये माइनस 1, बहुत आराम से आंसर लिख सकते हैं इसका।
एरिया इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 कितना हो गया, डबल हो गया ना, तो 2 अपॉन रूट 2 कर दो और लास्ट में कितना माइनस का है, ये रूट 2 इस 2 को रिड्यूस करेगा तो ऑनली रूट 2 आएगा माइनस का, ये वैल्यू हो गई इसकी एरिया की स्क्वायर यूनिट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करें और इन कर्व के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, अभी तक जो भी नए हैं इस चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।